सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि MCN क्या होता है। और फ्रेंड्स, आपको तो 100% पता होगा कि आपको अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम का क्राइटेरिया कम्प्लीट करना पड़ता है, फिर जाके आपका चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद आपके चैनल पर एड्स चलते हैं, फिर गूगल एडसेंस आपके चैनल का जितना रेवेन्यू होता है उस तरह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों, MCN भी गूगल एडसेंस के तरह ही YouTube का एक पार्टनर प्रोग्राम है, जहां पर आपके चैनल को गूगल एडसेंस से हटाकर MCN में लिंक करना पड़ता है। उसके बाद MCN भी गूगल एडसेंस की तरह ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में MCN को लेकर फुल डिस्कस होने वाली है, तो वीडियो पे बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि MCN का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, MCN का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल चैनल नेटवर्क। इसका मतलब होता है कि बहुत सारे चैनल का एक समूह जिसे एक कंपनी एक्सेस करती है। तो दोस्तों, आप सोचते होंगे कि MCN से अर्निंग कैसे होता है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने किसी एक MCN को ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आपके चैनल पर गूगल ही एड्स चलाएगा। लेकिन वहाँ पर होता है कि गूगल जब आपके चैनल पर एडसेंस से एड्स चलाता है, फिर वहाँ पर आपके चैनल पर जितना रेवेन्यू बनता है उसका 45% यूट्यूब खुद रख लेता है, उसके बाद आपको 55% देता है। तो वहाँ पर यूट्यूब आपको 55% ना देके अपने जिस MCN नेटवर्क में ज्वाइन किया है उसको 55% दे देता है। उसके बाद MCN जितना भी आपसे बात किए होंगे कि वो आपके रेवेन्यू का 5% रखेंगे, 10% रखेंगे या फिर जितना भी रखेंगे, तो वह 55% में से आपके उतना परसेंट को वो काट लेते हैं। उसके बाद जितना पैसा आपका बचता है उतना वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों, आपको लगता होगा कि यहाँ पर तो घाटा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर 45% आपका रेवेन्यू कट रहा है, उसके बाद आपका यहाँ पे भी 10% या 5% कट रहा है। तो आपको यहाँ पर लगता होगा कि मेरा घाटा हो रहा है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो MCN नेटवर्क आपके चैनल को ज्वाइन करवाते हैं, वो लोग करते हैं कि आपके चैनल पर थोड़ा एक्स्ट्रा एड चलवाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो MCN से कॉन्टेक्ट करते हैं, उसके बाद MCN वाले क्या करते हैं कि उनके अराउंड में जितने चैनल होते हैं उन सभी चैनल्स पर वो एड चलाते हैं, जिससे आपका जो रेवेन्यू होता है वो गूगल एडसेंस के अलावा और ज्यादा होता है। तो इस तरह से आपके चैनल पर अधिक रेवेन्यू होता है और वहां से वो लोग आपके चैनल पर 5% या फिर 10% काट के उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए जानते हैं कि MCN को ज्वाइन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो MCN वाले होते हैं वो सिर्फ मोनेटाइज चैनल्स वाले को ही कॉन्टेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो उनका कुछ फायदा होना चाहिए। तो वहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए MCN वाले शुरू में आपको मेल करते हैं, नहीं तो आप खुद भी उनके वेबसाइट पर जाके अपने चैनल को वहां पे ज्वाइन करवा सकते हो। नहीं तो वो आपके मेल में बोलते कि आपके चैनल को वह ज्यादा बूस्ट कराएंगे, आपके चैनल को कॉपीराइट से बचाएंगे और आपके चैनल्स के लिए वो साइट से और कॉपीराइट फ्री सॉन्ग्स को आपको देंगे जिसमें आप वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे MCN वाले तो आपको ये सब फैसिलिटीज देते हैं, बट कुछ MCN वाले ऐसे होते हैं कि जो फ्रॉड होते हैं वो आपके चैनल को ज्वाइन करवा लेते हैं, उसके बाद वहां पर आपको कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, जिसमें आपको फिर बेकार लगता है, उसके बाद आपको वहां पे छोड़ने का मन करता है। तो दोस्तों, आपको MCN को ज्वाइन करने से पहले आपको उसका पूरा डिटेल्स को जान लेना है, फिर आपको वहां पर आपको उसको ज्वाइन करना है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए जान लेते हैं कि आपको MCN को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या यह इलीगल है। तो दोस्तों देखिए, यह इलीगल नहीं है, यह YouTube का ही एक पार्टनर प्रोग्राम है, जहां पर आप अपने चैनल को लिंक करके वहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, MCN जो होते हैं वो आपको अलग से वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए पहले इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके एडवांटेजेस हैं कि ये आपको कॉपीराइट इश्यूज से आपको अलर्ट करते रहेंगे कि आपने किसी ऐसा कंटेंट तो नहीं बनाया जहां पर आपको कॉपीराइट मिल सकता है। और फ्रेंड्स, ये आपको अलग से आपके चैनल पर एड्स चलवाते हैं, उसके बाद यहां पर आपको अलग से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जो MCN वाले आपको देते हैं, बट यहाँ पर कुछ ऐसे MCN वाले होते हैं जो आपसे वादा तो कर लेते हैं बट वहाँ पर आपको कुछ नहीं देते, वो सिर्फ आपके चैनल से रेवेन्यू जनरेट करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ वहाँ पर फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आपको ऐसे MCN को नहीं ज्वाइन करना, आपको पहले से अच्छा से चेक कर लेना है, फिर आपको वहाँ पर MCN को ज्वाइन करना है। और फ्रेंड्स, डिसएडवांटेजेस में होते हैं कि बहुत सारे MCN वाले ऐसे होते हैं कि वहां पर आपको बोलते तो सब कुछ है बट वो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। और फ्रेंड्स, आपको MCN को ज्वाइन करने से पहले आपको पूरे अच्छे तरह से चेक कर लेना है कि वहां पर वो लोग करते हैं कि आपके चैनल को लॉकिंग पीरियड के लिए आपको ज्वाइन करवा लेते हैं। लॉकिंग पीरियड का मतलब होता है कि जब आप उनके लॉकिंग पीरियड में ज्वाइन कर लेते हो, वहां पर लॉकिंग पीरियड में आपको 1 साल 2 साल या फिर 3 साल के लिए आपको ज्वाइन करवा लिया जाता है और वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है। तो अगर आप उनके कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते हो और वहां पर आपको अच्छे से देखना होता है कि वह आपके लॉकिंग पीरियड में तो आपको ज्वाइन नहीं करवाना है, नहीं तो अगर वह आपको वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते तो आपको वहां पर लगेगा कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं
और वहाँ पर जब आप लॉकिंग पीरियड में उनके एमसीएन को ज्वाइन किए हो तो वहाँ पर आप उसको नहीं छोड़ सकते, भले ही आप कितना भी कुछ वहाँ पर कर लो। तो वहाँ पर आपको लॉकिंग पीरियड तक आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा, चाहे वहाँ पर आपको वहाँ वैल्यू प्रोवाइड करे या फिर नहीं करे। तो अगर आप किसी एमसीएन में ज्वाइन करना चाहते हो तो पहले आपको उसके डिटेल्स को पूरे अच्छे तरह से जान लेना, उसके बाद उस एमसीएन में जाकर आपको ज्वाइन करना है। तो आपको एमसीएन को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं, तो दोस्तों देखिए, अगर आप एमसीएन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पर आपको गूगल एडसेंस के अलावा बहुत सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं, और वहाँ पर अगर आपको कोई इशू होता है तो वो आपके 24 आवर्स के अंदर ही आपके इशू को वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा भी लग सकता है अगर कोई बड़ा इशू हो तो, नहीं तो वो आपको 24 आवर्स अंदर के ही आपके इशू को वह सॉल्व कर देते हैं। तो अगर आप कोई अच्छे एमसीएन में ज्वाइन किए हो तो वहाँ पर आपको पूरा फीचर मिलेगा, बट अगर आप ऐसे एमसीएन में ज्वाइन किए हो जो अच्छा नहीं है तो वहाँ पर आपको पूरा फीचर नहीं मिलेगा, और वहाँ पर आपके चैनल का ग्रोथ भी हो सकता है कम हो जाए। तो अगर आपको एमसीएन में ज्वाइन करना तो आपको पहले उसके डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आपको एमसीएन में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।